ऑपरेटर्स, द ऑपरेटर कैन बी डिफाइन एज अ सिंबल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ठीक है, ऑपरेटर जनरली क्या होते हैं, कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि वो दो ऑपरेंड्स पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन करके हम लोग को रिजल्ट दें। ठीक है, तो ऑपरेटर्स कुछ भी चीज अलग से नहीं होता, बट कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल सिंबल्स जो होते हैं वो उनकी फंक्शनैलिटी होती है कुछ। ठीक है, कुछ फंक्शनैलिटी होती है जिसके थ्रू वो कुछ ऑपरेंड्स पे क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं और हम लोग को कुछ ना कुछ रिजल्ट वहां से मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर्स आर द पिलर ऑफ ए प्रोग्राम ऑन विच द लॉजिक इज बिल्ट इन ए स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑपरेटर्स जनरली किसी भी प्रोग्राम का पिलर होता है। ठीक है, मतलब बिना ऑपरेटर्स के कोई भी प्रोग्राम नहीं बनता है। सीधी सी बात अगर बोले तो हम लोग ऑपरेटर्स के बिना कोई भी प्रोग्राम हम लोग नहीं बना सकते, कोई भी लॉजिक हम लोग नहीं बना सकते। अगर कुछ भी लॉजिक अगर हम लोग को बनाना है तो हमें ऑपरेटर्स जो है वो यूज करना ही होगा अपने प्रोग्राम में। अगर हम लोग ऑपरेटर्स यूज नहीं कर रहे हैं तो वो प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं है, मतलब उसमें कोई भी लॉजिक नहीं होगा। ठीक है, जो भी प्रोग्राम बनता है कुछ ना कुछ लॉजिक को यूज करके बनता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस लॉजिक होगा उसमें जिसके थ्रू हम लोग कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और यूजर के लिए वो यूजफुल होगा। ठीक है, तो पाइथन प्रोवाइड्स ए वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स विच आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोस। सबसे फर्स्ट यहाँ पे है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन एंड मॉडुलस। ठीक है, तो इतने सारे ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि दो ऑपरेंड पे कंपैरिजन करेगा और हम लोग को रिजल्ट देगा ट्रू और फॉल्स पे। थर्ड आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल पे वैल्यू को असाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फोर्थ होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, ये भी हम लोग को कुछ ना कुछ लॉजिक्स मीन्स जैसे कि एंड है, और है, नॉट है, इस टाइप के कुछ लॉजिक्स के हिसाब से हम लोग को कंपैरिजन करेगा या फिर कुछ ऑपरेशन करेगा, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, इस टाइप के ऑपरेशन करेगा और हम लोग को बताएगा कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स। अगर ट्रू होगा तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर फॉल्स होंगे तो कुछ और स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर जो है वर्क करता है। नेक्स्ट आता है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर जो होता है, जितने भी स्ट्रीम ऑफ बिट्स होते हैं, स्ट्रीम ऑफ बिट्स मतलब जनरली बिट वाइज ऑपरेटर क्या करता है, कोई भी जैसे मान के चलो दो नंबर को ऐड करना है, दो नंबर को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहले उस दो नंबर को वो बिट में चेंज कर देगा, मतलब बाइनरी में चेंज कर देगा। बाइनरी में चेंज करने के बाद उसमें कुछ लेफ्ट शिफ्ट या फिर राइट शिफ्ट ऑपरेशन करता है, उसके बाद वो दोनों बिट्स को ऐड करेगा, मीन्स दो ऑपरेंड्स के जो भी बिट्स होंगे दोनों का ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से वो काम करता है। नेक्स्ट आता है मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ये दो नए ऑपरेटर्स हैं, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग को मिलता है एडिशन। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हम लोग लेते हैं और न्यूमेरिकल्स में ही कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब नंबर्स में हम लोग कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेटर हम लोग को मिल जाता है एडिशन। ठीक है, जिसको हम लोग एक प्लस के सिंबल से डिनोट करते हैं। इट इज यूज टू ऐड टू ऑपरेंड्स। फॉर एग्जांपल, इफ ए इक्वल टू 20 एंड बी इक्वल टू 10, देन ए प्लस बी इक्वल टू 30। अगर ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 10, अगर हम दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर का यूज करेंगे और a प्लस बी इक्वल टू 30 हम लोग को मिलेगा, मतलब 20 प्लस 10 क्या मिल जाएगा, 30। ठीक है, वैसे ही है सब्ट्रैक्शन, जिसको हम एक छोटे से माइनस सिंबल से डिनोट करते हैं।
इट इज यूज टू सब्ट्रैक्ट द सेकंड ऑपरेंड फ्रॉम द फर्स्ट ऑपरेंड. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं सेकंड ऑपरेंड को फर्स्ट ऑपरेंड से. ठीक है, फर्स्ट ऑपरेंड जो होगा उससे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड ऑपरेंड को. इफ द फर्स्ट ऑपरेंड If the first operand is less than the second operand, the value results negative. ठीक है, अगर first operand जो होगा वो कम होगा, मतलब उसकी value जो होगी कम होगी second operand से, तो जो value हम लोग को मिलेगा, जो result हम लोग को मिलेगा वो negative मिलेगा. ठीक है, example देखते हैं. If a equal to 20 and b equal to 10, then a minus b equal to 10, मतलब 20 minus 10 equal to हम लोग को मिल जाएगा 10. अगर a की वैल्यू मान के चलिए 10 है और b की वैल्यू मान के चलिए 20 है, तो 10 माइनस 20 अगर हम लोग देखें तो हम लोग को मिलेगा माइनस 10. ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी अगर फर्स्ट ऑपरेंड जो होगा वो छोटा होगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे डिवाइड. ठीक है, इट रिटर्न्स द क्वेश्चन आफ्टर डिवाइडिंग द फर्स्ट ऑपरेंड बाय द सेकंड ऑपरेंड. यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन रिटर्न करके मिलेगा. ठीक है, डिवाइड ऑपरेटर क्या करता है, डिवाइड ऑपरेटर क्या करता है कि हम लोग को क्वेश्चन रिटर्न करता है. ठीक है, जब हम लोग कोई भी एक नंबर को डिवाइड करते हैं दूसरे नंबर से, तो हम लोग को उसका एक्चुअल रिजल्ट मतलब क्वेश्चन जो मिलेगा वो हम लोग को देखने मिलेगा. तो यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, इफ ए इक्वल टू 20 एंड बी इक्वल टू 10, देन ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू आएगा 2.0. ठीक है, तो यहाँ पे 2.0 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग जब डिविजन करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ फ्रैक्शन पार्ट मिलने का चांस होता है. तो क्योंकि पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डायनामिक डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, मतलब डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका टाइप ऑटोमेटिकली डिसाइड कर दिया जाता है. तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू है वो हम लोग को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में हम लोग को मिलेगी. ठीक है, तो डिवाइड ऑपरेटर क्या करता है, क्वेश्चन रिटर्न करता है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे. इट इज यूज टू मल्टीप्लाई वन ऑपरेंड विद द अदर. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इक्वल टू 20 एंड बी इक्वल टू 10, देन ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू 200. अगर ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 10, देन ए को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो हम लोग को मिल जाएगा 200. ठीक है, फिर उसके बाद आता है मॉड. ठीक है, जिसको हम लोग रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं या फिर मॉडुलस ऑपरेटर भी हम लोग इसको बोलते हैं. इट रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द फर्स्ट ऑपरेंड बाय द सेकंड ऑपरेंड. ठीक है, डिविजन ऑपरेटर में मतलब डिवाइड ऑपरेटर में हम लोग को मिल रहा था क्वेश्चन. अब यहाँ पे जो परसेंट है मतलब रिमाइंडर ऑपरेटर जो है उससे हम लोग को यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा. ठीक है, इफ ए इक्वल टू 20 एंड बी इक्वल टू 10, देन ए परसेंट बी मीन्स ए रिमाइंडर बाय बी या फिर ए मॉड बी हम लोग इसको बोलेंगे इक्वल टू 0. मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो चुका है, मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है. ठीक है, मीन्स 20 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 2. ठीक है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया क्योंकि 10 टूज आर 20. ठीक है, तो कंप्लीटली वहां पे डिविजिबल हो जाता. देन उसके बाद यहाँ पे डबल एस्ट्रिक हम लोग यूज करते हैं एक्सपोनेंट के लिए. इट इज एन एक्सपोनेंट ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड इट एज कैलकुलेट द फर्स्ट ऑपरेंड पावर टू द सेकंड ऑपरेंड. अगर हम लोग को कुछ पावर निकालना है, पावर मीन्स अगर 2 to the power 2 हम लोग को निकालना है, तो पहले हम लोग लिखेंगे 2 लाइक इस प्रकार से 2 2 double star 2. तो इससे क्या होगा, हम लोग को आंसर मिल जाएगा 4. ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा. फिर उसके बाद यहाँ पे डबल स्लैश, इसका मतलब होता है फ्लोर डिविजन. इट गिव्स द फ्लोर वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन प्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग टू ऑपरेंड्स. ठीक है, अब यहाँ पे फ्लोर वैल्यू का मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन जो है वो कुछ डेसिमल प्लेसेस में आता है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट में हम लोग को मिलता है, जैसे कि मान के चलो
5.47, ठीक है, या फिर 477 हम लोगों ने, 5.477, तब क्या होगा, वो 77 को कर देगा फ्लोर, मतलब वो क्या करेगा, नियरेस्ट जो भी एक राउंड ऑफ जो होता है, ठीक है, अगर 5 के ऊपर रहा तो वो 4.8 कर देगा, अगर 5 के नीचे रहा तो 4.7 कर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से फ्लोर वैल्यू पे वो क्या करते हैं, मतलब मिनिमम वैल्यू पे वो लाके उसको राउंड ऑफ कर देंगे इसी से, ठीक है। तो इतने सारे ऑपरेटर्स होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स एंड रिटर्न्स बूलियन ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंगली। द कंपैरिजन ऑपरेटर आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग टेबल। अब कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये दो ऑपरेंड को कंपेयर करेगा, मीन्स दो ऑपरेंड की वैल्यूज को कंपेयर करेगा, और वहां से हम लोग को कुछ बुलियन वैल्यू रिटर्न करके मिलेगी। बुलियन वैल्यू मतलब ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ऑपरेंड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम लोग को ट्रू और फॉल्स करके हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल है। कंपैरिजन ऑपरेटर, सबसे फर्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर है इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे डबल इक्वल टू लिखते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड इज इक्वल देन द कंडीशन बिकम ट्रू। अगर दो वैल्यू, दो ऑपरेंड की वैल्यूज जो है वो एग्जैक्ट इक्वल है, ठीक है, एग्जैक्ट इक्वल है, तब जो कंडीशन वहां पे बन रहा है वो ट्रू, ठीक है। अदरवाइज अगर दोनों इक्वल नहीं है तो रिटर्न करके मिलेगा फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगा है और उसके सामने लगा है इक्वल टू, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, इसको नॉट ऑपरेटर भी हम लोग बोलते हैं, जो एक्सक्लेमेशन है इसको नॉट ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑपरेटर बना है वो नॉट इक्वल टू। इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स इज नॉट इक्वल, इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स इज नॉट इक्वल देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। अगर दो ऑपरेंड्स को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं है, ठीक है, जब वैल्यूज इक्वल नहीं होगी तब ये कंडीशन ट्रू होगा। जब ये कंडीशन जो है वो दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं होगी तब वो ट्रू होगा। अगर दोनों की वैल्यूज इक्वल हो जाती है तब ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लेस देन इक्वल टू। इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू द सेकेंड ऑपरेंड देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। अगर फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो लेस देन और इक्वल टू सेकेंड ऑपरेंड ऑपरेंड होता है, मतलब फर्स्ट ऑपरेंड या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा। अगर इस कंडीशन में फर्स्ट ऑपरेंड जो है या छोटा है या इक्वल है तो कंडीशन जो है वो ट्रू होगा। अदरवाइज अगर फर्स्ट ऑपरेंड या बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। देन आता है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू। इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकेंड ऑपरेंड देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। अगर फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू जो है बड़ी है और इक्वल है सेकेंड ऑपरेंड के तो कंडीशन जो है हमारा ट्रू हो जाता है। अगर फर्स्ट ऑपरेंड छोटा होता है और सेकेंड ऑपरेंड बड़ा हो जाता है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे आता है ग्रेटर देन। इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द सेकेंड ऑपरेंड देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। अगर फर्स्ट ऑपरेंड बड़ा है सेकेंड ऑपरेंड से तो ये कंडीशन ट्रू होगा। अगर फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो छोटा हो जाता है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लेस देन। इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज लेस देन द सेकेंड ऑपरेंड देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। अगर फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो छोटा होता है सेकेंड ऑपरेंड की वैल्यू से तो ये कंडीशन ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन।
तो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर. द असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन द वैल्यू ऑफ द राइट एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑपरेंड. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज होंगी, ठीक है, जैसे मान के चलो इक्वल टू हमने लिखा, तो जो भी इसके राइट साइड में वैल्यू होगी, चाहे वो ऑपरेंड हो या फिर कोई डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है, उसको असाइन कर देता है लेफ्ट साइड में. ठीक है, लेफ्ट साइड में हमेशा हम लोग को कुछ ना कुछ ऑपरेंड देखने मिलेगा. ऑपरेंड मतलब वेरिएबल हम लोग को देखने मिलेगा, किसी वैल्यू पे वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हम लोग, हमेशा वेरिएबल पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू पे हम लोग वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं. तो इक्वल टू ऑपरेटर जो हम लोग यहाँ पे लिखे, इसको बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर. इट्स असाइन द वैल्यू ऑफ द राइट एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑपरेंड. राइट साइड में जो भी एक्सप्रेशन हो, जो भी वैल्यू हो या फिर जो भी ऑपरेंड हो, ठीक है, ऑपरेंड जो होगा उसको डायरेक्टली असाइन कर देगा लेफ्ट ऑपरेंड पे, और लेफ्ट साइड हमेशा ऑपरेंड ही होगा. मीन्स हम लोग वहां पे कुछ वेरिएबल्स ही ले सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ शॉर्ट हैंड्स भी यूज करते हैं विथ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. तो यहाँ पे एडिशन इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड एंड असाइन्स द मॉडिफाइड वैल्यू बैक टू द लेफ्ट ऑपरेंड. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि ए की वैल्यू मान लो 10 है, बी की वैल्यू 20 है. अगर हम लोग लिख रहे हैं ए प्लस इक्वल टू बी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, a इक्वल टू ए प्लस बी. ठीक है, फर्स्ट ऑपरेंड को सेकेंड ऑपरेंड से एड करेगा और फर्स्ट ऑपरेंड में ही उसको स्टोर कर देगा. ठीक है, फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू को सेकेंड ऑपरेंड से एड करेगा और फर्स्ट वाले ऑपरेंड पे असाइन कर देगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को a की नई वैल्यू क्या मिल जाएगी, 30 मिल जाएगी. ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग शॉर्ट हैंड यूज करते हैं. वैसे ही हम लोग अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ भी यूज करते हैं, जैसे कि माइनस इक्वल टू, इट डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड एंड असाइन्स द मॉडिफाइड वैल्यू बैक टू द लेफ्ट ऑपरेंड. अगर मान के चलिए कि ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 10 है, तो a माइनस इक्वल टू बी विल बी इक्वल टू ए माइनस बी एंड देयर फोर ए इक्वल टू 10. ठीक है, मतलब a की वैल्यू क्या है, 20 है, 20 माइनस 10 होगा तो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा 10, और 10 किस में साइन हो गया, a में साइन हो गया. ठीक है, तो ये इसका एक्सप्रेशन है एक्चुअल, शॉर्ट हैंड में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं. वैसी सिमिलरली सेम वैसे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के साथ भी लिखेंगे. It multiplies the value of the left operand by the value of the right operand and assigns the modified value back to the to then the left operand. ठीक है, तो यहाँ पे अगर a की वैल्यू मान लो चलो 10 है और b की वैल्यू 20 है, तो a multiply equal to b will be equal to a multiply by b. तो a की वैल्यू अगर 10 है और b की वैल्यू 20 है, तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट वाले ऑपरेंड पे उसको असाइन कर देंगे, तो a की वैल्यू आ जाएगी 200. वैसे हम लोग मॉडिफिकेशन के लिए भी कर सकते हैं. इट डिवाइड्स द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड एंड असाइन्स द रिमाइंडर बैक टू द लेफ्ट ऑपरेंड. ठीक है, यहाँ पे क्या असाइन करेगा, रिमाइंडर असाइन करेगा. ठीक है, अगर a की वैल्यू 20 है और b की वैल्यू 10 है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, a mod equal to b will be equal to a mod b and therefore अगर 20 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 10 से, तो रिमाइंडर हम लोग को जीरो मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है. तो कंप्लीटली डिविजिबल अगर होगा तो क्या होगा, जीरो आएगा रिमाइंडर, और जीरो असाइन हो जाएगा फर्स्ट वाले ऑपरेंड में, मतलब a में असाइन हो जाएगा जीरो. ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंट के लिए भी हम लोग वैसे ही कर सकते हैं सेम. तो a एक्सपोनेंट इक्वल टू b विल बी इक्वल टू a इक्वल टू a एक्सपोनेंट b. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, a की वैल्यू अगर 4 है
और बी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट होगा ए मतलब 4 टू द पावर 2 इक्वल टू 16, और 16 किस में असाइन हो जाएगा, ए में असाइन हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे फ्लोर इक्वल टू की अगर हम लोग बात करें तो ए फ्लोर इक्वल टू बी विल बी इक्वल टू ए इक्वल टू ए फ्लोर बी, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 3 है, तो अगर ए फ्लोर बी अगर हम लोग करेंगे मतलब 4 डिवाइडेड बाई 3 अगर करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा 1 और